हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पति ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया? ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। गलत नहीं कहा है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो 10,000 रुपया तुमने व्यास पर लिए हैं, वो अगर व्यास समेत कल वापस नहीं किया तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया। कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया? ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। याद है मैंने गोपाल को एक दिन कहा था, खेत में हल चलना चाहिए, बैल नहीं है तो बैल की जगह वो हल चलाए, और आज वो सब मैं कर रहा हूं। गलत नहीं कहा है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है, जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है।
नमस्कार जमींदार साहब। माँ, ये जमींदार साहब हैं, हमारे पड़ोस वाला खेत इन्हीं का है। ये भी बता दीजिए कि तुम्हारा ये खेत मेरे पास गिरवी पड़ा है और कल आखिरी दिन है, इसके बदले में जो 10,000 रुपया तुमने व्याज पर लिए हैं, वो अगर व्याज समेत कल वापस नहीं किया तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। भैया, हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम नहीं लौटा पाएंगे सुभद्रा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। राहता छोड़कर दर दर भटकना लिखा है, और क्या लिखा है। एक दिन में ही किस्मत उलट पुलट हो गई। हाँ, शकुंतला भाभी को जब से घर से निकाला तब से हमारा घर, हमारी खेती बाड़ी सब छिन गई। अब ये सोचकर क्या फायदा। कोंडा जी बेटा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये नांदेड़ है माँ। नांदेड़? क्या हुआ शकुंतला? किसी का इंतजार है? कोई आने वाला है? मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी ने मुझे आवाज दी है। और जेठ जी, ननन जी, माँ जी हमसे मिलने आ रहे हैं। क्यों आंखें खुली रखकर सपने देखती हो? वो लोग राहता में हैं और हम लोग यहाँ नांदेड़ में। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा माँ जी जेठ जी ननन जी को लेकर नांदेड़ आए हैं? साईं बाबा, मेरे ससुराल वालों को खुशहाल रखना। क्या कर रही हो तुम शकुंतला? दीदी, आपकी सेवा कर रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पैर मत दबाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी, मैं ठीक से पैर नहीं दबाती? शकुंतला, तुम समझती क्यों नहीं? अपने गुणों को समझो, तुम किसी से छोटी नहीं हो, बल्कि अपने स्वभाव से तुम बड़ों से भी बहुत बड़ी हो। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है उसके लिए मुझे तुम्हारे पांव दबाने चाहिए। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, थक जाती होगी। जाओ, गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, 9 बजने को आए हैं, अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम के सिवा करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? रो क्यों रही हो तुम डिकरी? पहले तुम रुलाती हो यास्मीन, फिर पूछती हो रो क्यों रही हो? नहीं नहीं साहिब जी, दीदी तो फूल जैसी कोमल है, वो किसी को रुला ही नहीं सकती। मुझे ही अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आप दोनों तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि
पगली, खुद भी रोती है और हमें भी रुलाती है। यास्मीन, जब अपने लोग दर्द देते हैं तो वो दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लगता है इनके परिवार वालों ने शकुंतला और गोपाल को बहुत सताया है। दूसरों को दुख देने वाले को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। उन्हें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। सुभद्रा, बेटी क्या हुआ? सुभद्रा क्या हुआ? मुझसे और नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। कुछ भी खाने को ला दो भैया। हमने शकुंतला भाभी को कई बार भूखा रखा है। मुझे मालूम है ये सब हमें उसी की सजा मिल रही है। कोंडा जी, बेटा हम माँ बेटी यही बैठते हैं, तो जाकर कुछ खाने को ले आ, कहीं से भी कैसा भी खाना। मंदिर के बाहर क्या है? मंदिर के बाहर खाना। लेकिन भैया, वहां तो भिखारी बैठे हैं भैया। उन्हें खाना मिल रहा है, हमें खाना चाहिए। पेट भरने के लिए भिखारी बन जाते हैं। भैया, वो गोपाल भैया और शकुंतला भाभी। उन्होंने हमें पहचान लिया तो? चुपचाप बैठ जाओ। कितने दिनों से हम नांदेड़ में भटक रहे हैं, कुछ काम नहीं मिला। जेब में पैसा नहीं है, पेट की आंतड़ियां सूख रही हैं। खाना सामने देखकर खाना छोड़कर जाना, पता नहीं इसके बाद खाना मिले ना मिले। ऐसा करो, तुम दोनों पल्लू आगे खींचकर गर्दन नीचे झुका लो। खाना सामने देखकर मैं खाना छोड़कर जाऊंगा नहीं। तुम्हें अचानक माँ की याद कैसे आ गई शकु? इनके हाथ देखिए ना, बिल्कुल माँ जी जैसे हैं।
घर माँ के हाथ में तो सोने के कंगन होंगे। और भला माँ यहाँ क्यों आएगी, वो तो अपने घर में खुश होगी। साई बाबा कृपा करें कि जेठ जी, माँ जी और ननन जी हमेशा खुश रहें, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। क्या बात है शकुंतला, तुम कुछ उदास लग रही हो। इसे हमारे परिवार की याद आ रही है। थक भी गई होगी। गोपाल, तुम इसे टांगे से लेकर घर जाओ। हाँ, आराम करने दो इसे। जी। जी, हमें पैसे नहीं, हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए। ये मेरी माँ है और ये बहन। काम ढूंढते ढूंढते हम यहां बहुत दूर से आए हैं। हम भिखारी नहीं है साहब। लगता है ये दोनों बेचारी गूंगी हैं। साहब, आप बहुत दयालु हैं। आप कोई भी काम दीजिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझ पर तरस खाइए। तुम हमारे कारखाने में पैरेडर का काम करोगे? बड़ी मेहरबानी साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी माँ और बहन भी काम करेंगी? ठीक है, कारखाने में काम करने वालों के लिए चाय नाश्ता तुम दोनों बनाओगी। तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कारखाने के आंगन में कर दिया जाएगा।